अभी तो यू नो वी स्टिल ऑन सैटरडे एंड टचवुड द फिल्म हैज टेकन अ वेरी गुड स्टार्ट, सो वी आर ऑल वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट. तो भाई मानते हैं कि प्रभु के नंबर यार, आई वांट माय फिल्म्स टू डू वेल. मैं इतना ज्यादा नंबर्स को फॉलो नहीं करता हूँ, बट वी आर इन एन इंडस्ट्री जहाँ पे टुडे एवरीथिंग इज आउट देयर, द इन्फॉर्मेशन इज आउट देयर फॉर एवरीबॉडी टू नो. सिर्फ नॉट मी, आम आदमी को भी मालूम है यार, इंटरनेट के ऊपर पता चल जाता है. तो ऑफकोर्स यू नो एज एन वैन द प्रोड्यूसर्स गेट इन्फॉर्मेशन दे शेयर इट विद यू, एंड वेरी हैप्पी विद द इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव गॉट. And yeah, looking forward. कुछ इसी अंदाज में शाहरुख. Wow, what is the best compliment? I think it was the day Prabhu sir, when if he was happy, I am happy. That's the biggest compliment for me, honestly. शायद कहीं ना कहीं शाहरुख ने भी promote किया था अपनी film को, तो like are you taking a part of his? नहीं यार, I think आजकल सभी लोग promote करते हैं फिल्म को. We all can learn from Shahrukh sir, जिस तरह वो फिल्में promote करते हैं, वो he's you know we can all learn from him. He's amazing in the way that he promotes and markets his films. We all can learn from him. But मुझे लगता है आजकल all actors go out there and promote their films, और ये तो this is a happy occasion यार. Audience का response देखने में जो मज़ा आता है वो सबसे ज़्यादा exciting होता है, especially इन तरह की फिल्में. कई बार आप ऐसी फिल्में करते हैं जो थोड़ी serious होती हैं, emotional होती है, तो उसमें लोगों की सीटियाँ, तालियाँ, गानों के ऊपर reaction, action के ऊपर reaction, वो नहीं मिलता है. तो ऐसी फिल्म तो है ही बनी इसलिए कि आप जाके ऑडियंस में थिएटर के साथ उसको फील कर सको और इन्जॉय कर सको. तो मैंने अभी एक्चुअली ज़्यादा नहीं किया है, प्रभु सर कल गए थे, मैं छुप के भी जाऊँगा देखने, बिकॉज मुझे डेफिनेटली ये फिल्में जो हैं, प्रभु सर ने मुझसे भी कहा था कि जब ये फिल्म रिलीज होगी शायद यू हैव टू गो टू चंदन एंड गेटी एंड सी दिस फिल्म टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑडियंस. मानते कि अब प्रभु सर और सोनाक्षी आपके लिए लकी है? जी, मैं तो पहले से ही कह रहा था कि वो लोग मेरे लकी होंगे, सो वेरी हैप्पी. क्या